अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी मेडिसिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर 1। सबसे पहले बात ये करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बेसिकली एक कंसर्न्ड स्टडी है कि जिसके बारे में हम कि जिसके अंदर हम हेल्थ और डिजीज को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब कोई इंसान बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल हेल्थ का क्राइटेरिया आता है। लेकिन हेल्थ और डिजीज़ को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी कम्युनिटी या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर स्टडी करना हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन कहलाता है। इसका गोल है कि ये आइडेंटिफाई कर सके हेल्थ प्रॉब्लम्स को किसी भी एक डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर, कि जिसको हम कम्युनिटी डायग्नोसिस भी कहते हैं, और हम प्लान इम्प्लीमेंट और इवेलुएट करके हेल्थ मेजर्स को लेते हैं ताकि हम किसी भी डिजीज़ की जो प्रिवेलेंस है उसको कम किया जा सके। कम्युनिटी मेडिसिन को हम कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ या सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम भी देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके सारे काम इससे रिलेटेड है। अगर हम किसी कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन हम ये भी स्टडी करेंगे कि इससे बचना कैसे है। जैसे अगर कोई एपिडेमोलॉजी डिवेलप हुई है किसी भी एक एरिया में, तो हमेशा उसको उसकी जो स्टडी है उसको करके उसको रोका गया। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोरोना वायरस रिसेंटली आया तो उसके बारे में स्टडी करके उसको फैलने से रोका गया। कोरोना वायरस एक ओवरऑल डिजीज थी जो कि प्रिवेल कर रही थी, तो इसको कम्युनिटी मेडिसिन के जरिए ही स्टडी किया गया। हमारे पास एक बात आती है हेल्थ। जो हेल्थ है वो एक कम्प्लीट स्टेट है वेलबींग की, कि जिसके अंदर हमारे पास फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आ जाती है। या WHO के अकॉर्डिंग किसी भी डिजीज का ना होना हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन में आता है। हेल्थ की डायमेंशंस में हमारे पास फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हेल्थ की डेफिनेशन को ओवरऑल देखा जाता है। लेकिन हेल्थ के अंदर बेसिकली एक जो ट्राइएड आता है उसके अंदर हमारे पास फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग ही आती है। फिलोसफी ऑफ हेल्थ में हमारे पास ये चीज़ आती है कि ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हर इंसान को बुनियादी हक है कि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारे। हेल्थ एक इंटरसेक्टोरल है, मतलब हर सेक्टर के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर क्राइटेरिया के अंदर हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी प्रोफेशन के अंदर। ये इंटेग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का, सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज एन एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल स्टेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ इज अ वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। देखें, हम सबकी लाइफ डिपेंड करती है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। हम कितने प्रोडक्टिव हैं ये बात इन्फ्लुएंस करेगी कि हम कैसा काम करें। हम कैसा काम करें ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम माशरे में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर या ओवरऑल हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर देखें, अगर हमारी अगर हम फिजिकली एक्टिव और मेंटली हम डिप्रेस हैं तो हम कभी भी अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर सकते। या हम एक टाइम को करने के, एक काम जो एक घंटे में करना है क्वाइट पॉसिबल हम उसे 3 घंटे में परफॉर्म करें। तो हेल्थ के अंदर ये सारी हेल्थ की फिलॉसफीज हैं, और हेल्थ बचपन से लेके बूढ़े होने तक या कह लें कि इस दुनिया से चले जाने तक बहुत मैटर करती है। अ हेल्दी माइंड और हैज अ हेल्दी बॉडी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बिहेवियर एंड सोशो कल्चर, इन्वायरमेंटल, सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ सर्विसेज, एजिंग इन पॉपुलेशन, जेंडर एंड द फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जैसे कोई भी वायरस, कोई भी फंजाई या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करते हैं। हमारे बिहेवियर और सोशो कल्चर फैक्टर्स, जैसे यूजली हमारी लेजीनेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द हेल्थ डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर बहुत से लोग हैं वो हाथ नहीं धोते या हाथ धो के खाना नहीं खाते, तो इट्स देयर बिहेवियरल हैबिट कि जो उनको हेल्थ, पुअर हेल्थ के लिए या पुअर हेल्थ की तरफ लेके जाती है। सोशो कल्चर, कल्चरली अगर हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत गंदगी वगैरह या डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं जो कि हेल्थ के डिटर्मिनेंट करते हैं,
तो उसमें हमारे पास एक इन्वायरमेंट का फैक्टर भी आ जाता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो साफ है, या कल्चर, हम जिस कल्चर को अडाप्ट कर रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि वो हमारी हेल्थ को खराब ना करे। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यूजली पॉवर्टी में मैल न्यूट्रिशन प्रिवेल करती है, और हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें बहुत सी जो कॉन्टेक्ट डिजीज होती हैं वो होने का लाइक चांसेस होते हैं, वो भी एक डिटर्मिनेंट है हेल्थ का। एजिंग एंड पॉपुलेशन के अंदर यूजली बूढ़े होने के साथ साथ जब लोग अपना ख्याल नहीं रखते, या प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर डाइट का इंटेक नहीं करते, तो हमारे पास ये भी डिटर्मिनेंट है हेल्थ का। जेंडर और अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, भी शामिल हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ में। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कोई भी कंडीशन जो एक डिजीज को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन यूज की गई है वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर, वो ये है कि डिजीज हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारी हेल्थ को इम्पेयर करती है। मतलब हम एक स्टेट ऑफ वेलबींग से हमारी बॉडी इम्पेयर्ड हेल्थ तक जाती है, और ऑल्टरेशन आ जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि इंटरप्ट करती है हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को, या एटलीस्ट हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को। सिंपल सी एग्जाम्पल है, जब हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस भी इम्पैक्ट होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये वो कंडीशन है कि जिसके अंदर बॉडी के जो सिंपल फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रप्ट हो जाए या डिस्ट्रेन हो जाए। हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं कॉजेशन ऑफ डिजीज के। सबसे पहले हमारे पास आती है सुपरनेचुरल थ्योरी। सुपरनेचुरल थ्योरी हमें ये कहती है कि पुराने वक्तों में, इन द ओल्ड टाइम्स, जो स्पिरिट, गोस्ट एंड डेमन्स वगैरह थे वो कोई भी बीमारी की वजह थे। मतलब अगर किसी कोई बीमार हुआ है तो क्वाइट पॉसिबल पे उस पर किसी जादू का साया, या क्वाइट पॉसिबल उस पर किसी किसी जिन भूत ने अफेक्ट कर दिया। जम्प थ्योरी ऑफ डिजीज के अंदर हमारे पास जम्प थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच ने डेवलप की थी, कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो डिजीज है ना वो किसी भी जर्म या किसी भी जो वायरस या फंजाई वगैरह, बेसिकली आउटसाइड द पार्टिकल, आउटसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दाखिल हो जाते हैं वो बीमारी को कॉज कर रहे हैं। जर्म थ्योरी के अंदर हमारे पास जो मेन कॉज है डिजीज का वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर की एंथ्रेक्स, जो कि बैक्टीरिया से कॉज हो रही थी। लुईस पाश्चर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया बैक्टीरिया इन द एयर। और फिर हमारे पास टाइफाइड एंड नमोनिया वगैरह भी, या डिफरेंट बीमारियाँ हमारे पास आते आते डिस्कवर होती हैं। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड के अंदर हमारे पास एक एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट आती है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक थ्योरी है फोर्स यूनिवर्स थ्योरी, कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि फोर एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रीक मेडिसिन के अंदर हमारे बॉडी में किसी बीमारी को प्रिवेल होने का सिम्टम बताते हैं। जैसे ब्लैक बाइल ऑटम के अंदर, ब्लड स्प्रिंग के अंदर, पलजम विंटर के अंदर, येलो बाइल समर के अंदर। अगर हमारी बॉडी में कोई सिस्टम या लाइक कोई भी कुछ प्रिवेल कर रहा है तो इन चीज़ों में चेंजेस आएंगे, और ये डिपेंड, ये इन्फ्लुएंस्ड है हॉट, कोल्ड, ड्राई और मॉइस्ट वेदर के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉजेशन के अंदर हमारे पास जो जम थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी आ जाती है। लेकिन इसके अलावा जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो ये डिजीज अकर्स इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज फोर ह्यूमर्स इज डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जर्म थ्योरी, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर ली कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और ये एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड हम आगे डिस्कस करते हैं। मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी ऑफ वेब डिजीज कॉजेशन, बीज ऑफ कॉजेशन, मतलब जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड के अंदर हमारे पास एक एजेंट है, एक होस्ट है और एक इन्वायरमेंट है। अब एजेंट्स के अंदर हमारे पास कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो सकता है। ये इफेक्ट जो एजेंट है उसकी क्या पैथोजेनिसिटी है, या उसका प्रिवेलेंस क्या है, या उसकी इन्फेक्टिविटी का क्या रेट है, ये डिपेंड करता है एजेंट फैक्टर्स के अंदर। हमारे पास सोशल एजेंट्स, पॉवर्टी, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह। मैकेनिकल एजेंट्स हमारे पास क्रशिंग, टियरिंग, स्प्रेन्स, डिसलोकेशंस हैं। केमिकल एजेंट्स, एलर्जेंस, मेटल्स, फ्यूम्स, डस्ट वगैरह। फिजिकल एजेंट्स के अंदर हमारे पास हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी वगैरह आ जाता है।
न्यूट्रिएंट एजेंट्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। होस्ट फैक्टर्स के अंदर हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक पर्सनालिटी ट्रेट्स, लिविंग हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी में डिजीज के चांसेस को, डिजीज या इम्प्रूवमेंट के चांसेस को। ये डिपेंड करेगा कि हमारी होस्ट मतलब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमेशा डिस्करेज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो बहुत से मेजर रीजंस की कॉज बनता है, स्पेशली ओबेसिटी। और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीजेस जिसको कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। फिजिकल के अंदर हमारे पास ज्योग्राफी, हीट, लाइट वगैरह आ जाती है। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ और वेलबींग को, जिसके अंदर पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जो जो हम जो लोग शहरों में रहते हैं उनको अर्बन मतलब कम्युनिटी कहा जाता है, और जो लोग गाँव या देहात वगैरह में रहते हैं उनको रूरल कहा जाता है। और एक्सपोजर टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज बीमेंट, डिजर्शन, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बर्थ ऑफ हैंडीकैप चाइल्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि हमें एक स्ट्रेस का कॉज करती हैं। तो हमने पीछे हेल्थ की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने उसमें तीन चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का। तो अगर मेंटली एक इंसान वेल नहीं है तो उस वो हेल्थ की डेफिनेशन के क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता। जो एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया है वो उसके अंदर जो जंप थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जंप थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन रीजन फॉर एवरीवन एक्सपोज्ड टू डिजीज नॉट डेवलपिंग अ डिजीज। अब इसकी एक रीजन आती है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज कि जैसे कुछ लोग थे जिन पर कोरोना वायरस हुआ और उनकी डेथ हो गई, और कुछ लोग थे कि जिनको कोरोना वायरस हुआ और रिकवर कर गए। इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उनका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है और उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी था या नहीं था, या लाइफस्टाइल उनका हेल्दी था या नहीं था। एग्जांपल हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटिक फीवर की है, और फैक्टर्स अदर देन द मैक्रो रोग आर नीडेड टू कॉज डिजीज। हमारे पास सिर्फ एक माइक्रोब का होना डिजीज को कॉज करने का फैक्टर नहीं होता। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और उसका इम्पैक्ट कितना हमारी बॉडी पर, ये भी डिपेंड करता है। The factors related to the agent, host and the environment is called epidemiological triad, a triangle. The interaction of these factors is required to cause the disease in human being. जो epidemiological triad है tuberculosis का, उसके अंदर हमारे पास एक जो epidemiological triad है tuberculosis का, उसके अंदर हमारे पास agent जो TB organism है, हमारे पास जो host है वो poor nutrition, concurrent disease, low immunity, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि एक पेशेंट जिसको टीबी हुआ है उसके जो एक एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी किसी भी इंसान के टीबी होने में। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं कि कोई भी क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल मॉडर्न डिजीज के अंदर जो एजेंट है वो स्टिल नॉन नोन है। Etiology is described as a risk factor defined as an attribute characteristic that is significantly associated with development of a disease. Etiology basically हम कहते हैं cause को, जो cause है वो risk factors है, और risk factors को ही हम basically associate करते हैं development of a disease के साथ, मतलब ये इस disease के risk factors है तो ये disease है। A determinant can be modified by intervention, thereby reducing the possibility of occurrence of disease or other special specified outcome. वो कहता है कि एक determinant है वो modify हो सकता है एक intervention के साथ, कि therefore वो reduce कर देगा एक बीमारी की जो occurrence है, possibility है एक बीमारी के होने की उसको, या at least इसके जो specified outcomes है उनको थोड़ा prevent कर देगा। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज के अंदर एक सिंगल कॉजेशन था डिजीज का हमारे पास जंप थ्योरी के अंदर। सिंगल कॉजेशन ऑफ डिजीज लाइक द जंप थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये कहना मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन हम इसलिए कह रहे हैं
जब हमने जंक थ्योरी पढ़ी तो हमने कहा बस एक ही फैक्टर है जो बीमारी कॉज कर रहा है, लेकिन अभी हमने जैसे ट्राइएड एपिडेमोलॉजिकल ट्राइएड को देखा तो इसके मुताबिक हमें पता चला कि सिर्फ एक जो एजेंट है उसका होना काफी नहीं है, देयर आर द फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट, देयर आर द पर्सनल, मतलब पर्सनल इम्यूनिटी एक इंसान की या एक लाइफस्टाइल वगैरह, ये भी अफेक्ट करती है किसी भी डिजीज को। डिजीज इज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि हमने पीछे बात कर ली, हमारे पास सोशो इकोनॉमिक कल्चर जेनेटिक, जेनेटिक फैक्टर इज वन ऑफ द रीजन कि कुछ लोगों में डिजीज की प्रिवेलेंस ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स में या कार्डिक पेशेंट्स में, ये भी जेनेटिक हिस्ट्री चलती है तो अफेक्ट करती है लाइफ लाइफ स्टाइल को या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टीबी इज नॉट मेयरली ड्यू टू द बेसिलस बट ड्यू टू पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग एंड मेल न्यूट्रिशन आर ऑल्सो द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जैसे हमने पीछे बात कर ली, टीबी सिर्फ बेसिलस की वजह से नहीं होता, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नहीं होता टीबी सिर्फ, ये पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, जैसे हमने एपिडेमोलॉजिकल ट्राइएड ऑफ टीबी पीछे पढ़ा तो उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि ये बीमारी सिर्फ एक एजेंट की वजह से नहीं है। Coronary heart disease can be due to the excess of the parentage, smoking, lack of exercise and obesity. थ्योरी ऑफ कॉजेशन के अंदर हमारे पास जो वेब ऑफ कॉजेशन है कि वो कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन द फैक्टर अदर देन द प्रेजेंस ऑफ द एजेंट। ठीक है, डिजीज अकरेंस इज डिटरमिनड बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ प्री डिपोजिंग फैक्टर्स एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर। अ वेब ऑफ इंटरेक्टिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। ये चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर ली। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन भी हमारे पास जंक थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन अदर फैक्टर्स, और ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।